Hello everyone. Today I'm going to discuss about the details of deleted portion of class 10 science. So let us have a look in the old curriculum. So this is the old curriculum of unit number 1, and let us move towards the revised curriculum. So ye revised curriculum hai. See, this is the first chapter of science, and nothing has been deleted. सो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक उसमें डिलीट नहीं हुआ है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द सेकेंड वन. दिस इज द ओल्ड वन पूरा का पूरा है. दिस इज ओल्ड वन एंड दिस इज द रिवाइज्ड वन. सो नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर ऑल्सो. सो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर. सो थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. This part has been deleted. See the revised one में वो वाला part यहाँ पर नहीं है. So I will show you from which part it has been deleted from the textbook. So third chapter. So third chapter में ये पूरा है. We'll move to this is also there. And how do metals, non-metals react? This is also there. And occurrence of metal. यहाँ से delete हुआ है. From this topic 3.4 से extraction of metals, ये पूरा portion delete हुआ है. Extracting metals low in activity series, this part has been removed. Refining of metals, corrosion, prevention of corrosion. So this part has been deleted. ये deleted में भी लिखा हुआ है. Basic metallurgical processes, corrosion and its prevention, जो कि old syllabus में this was written. Up to only properties of ionic compounds, जो कि अभी मैं chapter 3 में up to 0.3 तक आएगा. 3.3 तक. 3.4 से यहाँ से पोर्शन डिलीट हो गया. दिस इज द लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट इज 3.31. नाउ लेट अस हैव अ लुक इन चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो पुराना सिलेबस देख लेते हैं. दिस इज द ओल्ड वन. यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी दिस पार्ट हैज़ बीन रिमूव. सो यहाँ पर नहीं है, देखिए. सो दिस इज चैप्टर नंबर 4. So I will show you from which topic it has been deleted from the NCERT textbook. Chapter number 4. Let us have a look. Chapter number 4 mein ye pura hai. This part is there up to. This is also there. Homological series. The last topic hai. Nomenclature. Yahan se pura topic delete hua hai. See, deleted. Nomenclature of carbon compound. Yahan se pura लास्ट तक जो टॉपिक है दैट हैज़ बीन रिमूव. ये भी पूरा निकल गया है फॉर दिस एकेडमिक ईयर. ऑल दिस सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट हैज़ आल्सो हैव बीन रिमूव्ड. ओके, सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. नाउ विल मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 5, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसमें दिस इज़ द ओल्ड वन एंड दिस इज़ द न्यू वन. नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड. सो ये चैप्टर नंबर 5 जो है वो एज इट इज़ है, पूरा का पूरा. नाउ विल मूव टूवर्ड चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 इज़ लाइफ प्रोसेसेस. इसमें भी कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है. देखिए, लाइफ प्रोसेस में दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द ओल्ड वन एंड दिस इज़ द न्यू वन. So nothing has been deleted in chapter number 6. Now we'll move towards chapter number 7. ये chapter number 7 है, control and coordination in animals and plants. This chapter number 7 completely have been removed. Chapter number 7 जो है पूरा का पूरा निकल गया. So you can leave it for this academic year. Now next we'll move towards the chapter number 8. Chapter number 8 में भी पूरा का पूरा syllabus है. ओके, चैप्टर 8 में कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है.
Now we'll move towards next chapter, chapter number chapter 7 पूरा डिलीट हो गया और 8th चैप्टर में एक भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ, राइट? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 में एवोल्यूशन पार्ट इसका डिलीट हो गया है. सो आई विल शो यू फ्रॉम वेयर इट हैज बीन डिलीटेड. दिस पार्ट 9.3 से लेकर पूरा का पूरा पार्ट डिलीट हो गया है. सो आई विल शो यू अप टू वेयर इट हैज बीन डिलीटेड. एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ये भी डिलीट हो गया है. फॉसिल्स एंड एवोल्यूशन बाई स्टेजेस दिस ऑल्सो हैव बीन डिलीटेड. दिस ऑल्सो डिलीटेड. एवोल्यूशन पूरा टॉपिक डिलीट हो गया. ओनली पार्ट हेरिडिटी. दिस इज द ओल्ड सिलेबस. यहाँ पे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में ओनली हेरिडिटी पार्ट इज देयर. एवोल्यूशन पार्ट कम्प्लीटली हैज बीन रिमूव्ड. ओके, सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ अप टू चैप्टर नंबर 9. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 में सी यहाँ से लेकर यहाँ तक चैप्टर नंबर 10 है. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक चैप्टर नंबर 10. सो नथिंग हैव बीन डिलीटेड. द कंप्लीट चैप्टर इज देयर. ओके, और डिलीटेड पोर्शन में भी देख लेते हैं. दिस इज द डिलीटेड सिलेबस ऑफ आवर CBSE. सो चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, राइट? सो नाउ चैप्टर नंबर 11. सो यहाँ से यहाँ तक चैप्टर नंबर 11 है. दिस इज द ओल्ड सिलेबस. और न्यू सिलेबस में केवल ये वाला पार्ट है. तो ह्यूमन आई का जो पार्ट है वो पूरा निकाल दिया है. तो दैट पोर्शन आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम द चैप्टर. सो दिस इज द चैप्टर. यहाँ से लेकर पूरा स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक डिलीट हो गया, दैट आई एम गोइंग टू शो यू अप टू हियर. सो 11.3 से पूरा सिलेबस है. 11.3 से पूरा अप टू एंड द एंड ऑफ द चैप्टर इट इज देयर. ओके, सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ चैप्टर नंबर 11. नाउ विल मूव टूवर्ड चैप्टर नंबर 12. सो चैप्टर नंबर 12 में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ. दिस इज चैप्टर नंबर 12. दिस इज द ओल्ड सिलेबस एंड दिस इज द न्यू सिलेबस. सो चैप्टर नंबर 12 में भी कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13. नेक्स्ट चैप्टर. सो 13 चैप्टर में कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया, दैट आई एम गोइंग टू शो यू. दिस इज द ओल्ड सिलेबस. ओल्ड सिलेबस में ये वाला पार्ट डिलीट हो गया. देखिए दिस इज द न्यू वन. अप टू राइट हैंड रूल ओनली द सिलेबस इज देयर. सो ये वाला पार्ट डिलीट हो गया. डिलीटेड सिलेबस में भी दैट ओनली हैज बीन शोन. सो मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक है, राइट? सो इलेक्ट्रिक जनरेटर से पूरा दिस इज देयर. इलेक्ट्रिक मोटर है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो देयर. इलेक्ट्रिक जनरेटर. नाउ यहाँ से 13.6 है अप टू एंड द चैप्टर द पोर्शन हैज बीन डिलीटेड. अप टू एंड मतलब यहाँ तक, राइट? यहाँ तक. ओके, सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ चैप्टर नंबर 13. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द लास्ट यूनिट, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें ये चैप्टर नंबर 14 जो है ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है रिवाइज्ड में, राइट? चैप्टर नंबर 14, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड चैप्टर नंबर 16 ऑल्सो डिलीटेड. सो जो कंप्लीट जो चैप्टर जो डिलीट हुए हैं वो है चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जो दो जो कंप्लीट जो चैप्टर डिलीट हुआ है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर नंबर 14 एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज चैप्टर नंबर 16. और चैप्टर नंबर 15 जो अवर एनवायरनमेंट है वो एज इट इज है. नथिंग हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम दैट चैप्टर. ओके, सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ द डिलीटेड सिलेबस, द डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम क्लास 10th साइंस. सो थैंक यू वेरी मच.